अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अनिल सागर जी हैं, प्रदेश महासचिव के पद पर हैं। बसपा के वो स्तंभ हैं जो एक बहुत मजबूत स्तंभ है, जो गली गली जाके और कैडर लेने का काम करते हैं, बहुजन समाज के विचारधाराओं पर काम करते हैं। अनिल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनिल जी, आप एक युवा हैं, यूथ हैं, और यूथ को आपसे बहुत सारी उम्मीद है। आज दिल्ली एनसीआर आपको बहन जी ने दिया है, तो इसको जोड़ने का क्या कार्य कर रहे हैं? अभी विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, तो उसके लिए आप किस तरीके से बहुजन समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि लोकसभा के अंदर बहुत कम वोटें आई थी? तो कैसे इस रूपरेखा को परिवर्तन में बदल पाएंगे वो बताएं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को हम दफन नहीं होने देंगे। बहुजन समाज पार्टी के लोगों को हम घर घर जाके बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा ना दबे। हमारी प्लानिंग ये है कि हम लोग, देखिए जिस तरह से स्ट्रक्चर है बॉडी का, उस बॉडी के अंदर हम लोग, बहन जी ने पहले ही 50% युवाओं को भागीदारी दी है हर संगठन में। हम लोग उसके अंदर जिस तरह से महिलाएँ हैं, जिस तरह से रिटायरमेंट जो रिटायर्ड लोग हैं या पुराने लोग हैं, हम उन लोगों को संगठन के अंदर जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, जैसे जिले का अध्यक्ष, जिले के महासचिव, जिले के कोषाध्यक्ष, जिले के सचिव, जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है, जिले के प्रभारी जो बने हुए हैं, उसमें एक महिला को हम जिम्मेदारी देंगे जी। और उस महिला को हम बिल्कुल जो है न्यूट्रल छोड़ देंगे कि हम आपसे काम कीजिए, सिर्फ कुछ मत कीजिए, संगठन को हम देखेंगे, मेन बॉडी को हम देखेंगे, महिलाओं को जाकर जोड़ने का काम करो पूरे जिले के अंदर, पूरे लोकसभा के अंदर। उसके अंदर जो एक रिटायरमेंट जो पर्सन है, उनको हम ये जिम्मेदारी देंगे कि आप एक काम कीजिए, जितने बहुजन समाज के लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, आप उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करें। यूथ जो रहेगा वो हमारे साथ काम करेगा, मेन जो है फोकस मैं खुद यूथ पर दूंगा। उसके बाद जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको तो खैर हम संगठन में नहीं देंगे जिम्मेदारी, पर विचारधारा से उनको भी अवगत कराएंगे, समय समय पर उनका भी समय लेंगे, और इस तरह से हमारी प्लानिंग होगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अंदर कोई विंग नहीं है, ना कोई स्टूडेंट विंग है, ना कोई महिला विंग है, और ऐसा कोई विंग नहीं। और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से बामसेफ है, जो बामसेफ साइड से काम करेगा, जो ये बामसेफ भी इसकी रीढ़ है बहुजन समाज पार्टी की। जी अनिल जी, बहुत अच्छे से बताया अब अनिल सागर जी ने आज हमें बहुत अच्छे से बताया कि बहुजन समाज का वोट जो इधर उधर बिखरा हुआ था, यूथ का, महिलाओं का, सीनियर सिटीजन का, और यूथ का जो विचारधाराओं का खेल है, जो अभी तक बहक गए हैं, आरएसएस की विचारधाराओं में चले गए हैं, बीजेपी के साथ चले गए हैं या आम आदमी पार्टी के साथ चले गए हैं, उन सबको लौटाने का कार्य करेंगे अनिल सागर जी। लेकिन अनिल सागर जी, मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप दिल्ली की विधानसभा के अंदर कितनी सीटों पर अपने आप को विजयी घोषित देख पाएंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर हम लोग 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जी। और हमारा, क्योंकि समय बहुत कम है, वर्क बहुत ज़्यादा है, तो हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हम लोग बैलेंस ऑफ पावर के रूप में दिल्ली के अंदर उभरें। सरकार हमारी ना बने, पर हमारे बगैर भी किसी की सरकार ना बने, ऐसी स्थिति हम पैदा कर देंगे दिल्ली के अंदर। हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय कांशीराम साहब के हम अनुयायी हैं, सौगंध खाते हैं कि ऐसी स्थिति इस बार हम 2020 में पैदा कर देंगे जी। अनिल सागर जी ने कितनी खूबसूरती से बताया कि हम सौगंध खाते हैं, और ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ सौगंध खिलाकर ही निकलते हैं, क्योंकि बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज को रिप्रेजेंट्स करते हैं, और बिना सौगंध खिलाए वहाँ से निकलते भी नहीं है जब तक बहुजन समाज के इनके साथ जुड़ नहीं जाते। हमारे चैनल से बात करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।